Welcome students, open your SST book, page number 113, history section, chapter 25, the struggle for freedom. In previous chapter, we studied about the Siraj-ud-Daula and the Battle of Plassey, the plunder of Bengal. Now, the further topic is Haider Ali and Tipu Sultan. Britishers as trader eye और सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम प्रिंस और मुस्लिम स्टेट्स के हेड थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उन्हीं में से आज हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे. हैदर अली अ मुस्लिम आर्मी कमांडर इन द हिंदू स्टेट ऑफ मैसूर हु इन 1761 बिकेम द रियल रूलर. Haider Ali was a wise, effective and just ruler, a fine general loved by both Muslims and Hindus. He hated the British. When he saw the rising power in the subcontinent because they had promised him help against the Marathas, but they had failed him. Britishers aur ko Haider Ali ne is tarah jab unhone मराठास के ख़िलाफ़ हेल्प उनसे मांगी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मराठास की हेल्प की इनकी नहीं, तो तब से हैदर अली जो थे उनको रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पे हेल्प या चीज़ों को सॉर्टेड आउट नहीं करेंगे बल्कि और कॉम्प्लिकेट करेंगे, और वो ख़ुद रूल करना चाहते हैं सब कॉन्टिनेंट पे. हैदर अली के बाद उनके बेटे Tipu Sultan in the Second Mysore War 1780-84, Haider Ali invaded the British control Karnataka and defeated all forces sent against him. And then after Tipu, he retired from the battle and his son took his place. He warned his son Tipu Sultan that as long as Britain controlled the sea, victory was going to be very difficult. Haider Ali retired in Arcot and died in 1782. Tipu Sultan was very much like his father, but an even more determined general. When French could not help him against British after signing the Treaty of Versailles, Tipu Sultan signed the Treaty of Mangalore in 1784 with the British, under which each side gave back land and prisons. But Tipu Sultan was dedicated man and his main aim in life free the subcontinent from the Britishers. A brilliant general, he trained new armies even though he knew the Marathas and the Nizam Hyderabad had joined the British. In sab baaton ke bawajood Tipu Sultan ne ek nayi army banayi aur unhe ye bhi pata tha ki Nizam aur of Hyderabad aur Marathas jo hain wo Britishers ke saath unhone मैंगलोर ट्रीटी साइन कर दी है. फिर एक थर्ड मैसूर वॉर हुई 1790-92. टीपू हु डिफीटेड द ब्रिटिश, और उसमें भी टीपू सुल्तान ने उन्हें शिकस्त दे दी और बहुत से अपने से जो है वो फ्री करवा लिया. बट टीपू बैक इन टू द फोर्ट ऑफ सिरिनंगपत, एक साल तक वो उस फोर्ट में मतलब अपने आप को करते रहे, उनका मुकाबला करते रहे. ही वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी गिविंग अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम, सम टू द निज़ाम एंड सम टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. टीपू वॉज नाउ इन डेस्परेट पोजिशन बट डिटर्मिंड अ फाइट, और टीपू सुल्तान ने जो है वो हार नहीं मानी और उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, और शहादत के वक्त भी उनके हाथ में तलवार थी. टीपू लीड हिज मैन डिफेंडिंग the broken barricades and was killed sword in his hand. और लेकिन टीपू सुल्तान के हेल्प के लिए भी कोई नहीं आया, और टीपू सुल्तान ने काफ़ी हद तक डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी उनको कत्ल कर दिया गया. टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को तैयार करने के साथ एक नया रॉकेट बनाया. टीपू सुल्तान वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ रॉकेट्स इन वॉरफेयर. देवर इन्फो are very important. They were made of iron with a bamboo pole attached to them by leather strap. They skimmed along the ground and did great damage. When they hit, there were 5,000 rockets in Tipu's army. In Seringam Napatam, they were
दे कॉज मच हार्म टू द ब्रिटिश ट्रूप्स, मतलब वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी टीपू सुल्तान ने बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें शिकस्त हुई। अदर वॉर्स, रोहिलास, मराठा, मैसूर, कोरक, सिक्स, ये सारी वॉर्स हैं, और लेकिन इन वॉर्स के आगे टेन्योर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न दीज टेन्योर्स। एक बात जो इन वॉर्स में थी, जो ब्रिटिशर्स ने फिर 1757 के बाद स्टार्ट की, डिफरेंट स्टेट्स के साथ वो वॉर करते, पहले एक या दो जो वॉर है वो हार जाते, फिर दूसरी या तीसरी वॉर में वो जीत जीत जाते, और उसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो उस स्टेट पे काबिज हो जाते। ये उनकी टेक्निक हर वॉर में थी, आइदर वो सराजुद्दौला के साथ हो, मैसूर की हो, मराठास के हो, कोरक सिक्स, हर किसी के साथ इन्होंने यही किया कि पहले वो उसको जीतने का मौका देते जिससे वो कॉन्फिडेंट हो जाता, और देन वो उसको हरा देते, क्योंकि जो भी था सब कॉन्टिनेंट के जो स्टेट्स के हेड्स थे उनके पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स नहीं थे जितने ज़्यादा ब्रिटिशर्स के पास थे, और ऑब्वियसली बजट भी उनके पास बहुत था। देन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी मीन्स कि 1800 के स्टार्ट में ही, और जो है स्टार्ट में जो मुगल एम्परर थे उनको उनका एनुअली बजट तय करके, वजीफ़ा जिसे बोलते हैं, उन्हें उनकी उनको ये ऑर्डर था कि वो अपने महल के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करें, बाहर क्या हो रहा है उससे उनको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, बस सिक्के पे जो कॉइन जो मनी यूज़ होता था उन पे उनका नाम होगा। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। नेपोलियन द रूलर ऑफ फ्रांस हैड बीन डिफीटेड एट वाटरलू एंड वॉज नो लॉन्गर थ्रेट फॉर ब्रिटेन। अब वो फ्रेंच जो उनके लिए एक थे, वो भी उनके नेपोलियन की डेथ के बाद वो भी उनके लिए खतरा नहीं रहे। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स के बाद बहुत से एक तो वो अमीर बहुत हो गए, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके कंट्री में हो गया, और उधर से सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पे हो गए। मुगल एम्परर्स जो हैं वो अपने महल के अंदर अपनी आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और बाहर के जो स्टेट्स के हेड्स थे, रियासतों के महाराजा, राजा, निज़ाम, ये सब लोग, या तो उनके पास ऑप्शन ये था कि वो ब्रिटिशर्स के साथ समझौता कर लें, साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रीटी साइन कर लें, या उनके अगर वो ख़िलाफ़ खड़े होते तो वो उनको कत्ल करवा देते। तो इस तरह फिर आखिरकार सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो गया। अब द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बेसिकली सिपाही जो उनकी फ़ौज में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिपाही थे सोल्जर्स, उन्होंने स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी राइफल इशू की जो एनिमल के फैट से बनी हुई थी, और उस बुलेट को यानी कारतूस को मुंह से खोलकर देन आपने उस गन में डालना होता था। तो वो जो एनिमल फैट उसके ऊपर था वो मुसलमानों के लिए हराम, और वो दो एनिमल फैट्स को मिक्स करके था, एक उसमें मुसलमानों के लिए हराम था और दूसरा हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस था। इस वजह से जो वहाँ के सिपाही थे उन्होंने इस बात को के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज शुरू किया। इन मई 1870 मेरठ में कुछ सिपाहियों ने जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और उनमें से जो है कुछ को सज़ाए मौत दे दी गई। द मेरठ गैरिजन मार्च टू दिल्ली, वो दिल्ली तक आए मुगल एम्परर बहादुर शाह के पास, लेकिन वो तो वैसे ही सेमी इम्प्रिजमेंट या में थे रेड लाल किला में। तो उसके बाद जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो ब्रेदिंग स्प्रेड लखनऊ, झांसी, कानपुर, वेयर स्पॉइज यानी सोल्जर या स्पाई डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी, दे वर ऑल्सो अपराइजिंग द डेक्कन, बॉम्बे एंड मेरठ टेरिटरी। दिल्ली वॉज बिसाइड बाय द ब्रिटिश बट हेल्ड आउट मैनी मंथ्स, द डिफेंडर कमिंग आउट एट नाइट, मतलब
पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो तबाहकारियाँ शुरू हो गई, और उसके बाद जब इंडिया जब ब्रिटिश आर्मी ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह सफर के नौ सन को कत्ल करके, नौ बेटों को कत्ल करके उनका जो सर है वो ट्रे में रख के बादशाह के सामने जो है पेश किया, लाखों इंडियंस को कत्ल कर दिया, बहुत लूट मार हुई, दिल्ली की गलियां खून से फिल हो गई थी, भर गई थी। और ऑन द अदर हैंड यूरोपियन वुमेन्स और चिल्ड्रंस की भी डेथ हुई, उनको भी कत्ल किया गया। यानी कि उस 1857 से 1858 जो एक साल वो जंग रही है, उस जंग में कत्ल, गारतगिरी और लूट मार और बहुत बुरे हालात थे। और 1858 में फिर वो जंग एंड हो गई एक साल के बाद। रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द वॉर, सबसे पहले कि रानी की झांसी और नाना साहेब कानपुर, यही दो लीडर्स थे जिन्होंने यूनाइटेड थे लेकिन उनकी अपनी स्टेट के लोग थे। और द डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर टू ग्रेट, मतलब मुसलमानों की एक अपनी थी और हिंदुओं की अपनी थी, और ऑब्वियसली इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट था तो उसमें वो किस तरह एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते, कोई किसी एक लीडर के अंडर तो नहीं थी ना वो जंग लड़ी जा रही थी। तो इसी लेकिन जो आप ब्रिटिशर्स थे वो तो उनकी आर्मी एज़ कंपेयर जो दूसरे लोगों की कम थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइज थी, उनके पास वेपन्स थे, उनके पास मनी थी, उन मतलब दे आर ऑर्गेनाइज्ड वे, उनके पास हर चीज़ थी, लेकिन जो रिवॉर्ड थे उनके पास कुछ भी नहीं था। और इस तरह मुसलमान और हिंदू ये जंग हार गए। ओके, आई होप ऑल द पॉइंट्स क्लियर। नाउ मार्क द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन, हैदर अली आ मुस्लिम आर्मी कमांडर इन द हिंदू स्टेट ऑफ डैश हु इन 1761 बिकेम द रियल रूलर। डन। सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, इन द सेकेंड मैसूर वॉर डैश हैदर अली इन्वेडेड द ब्रिटिश कंट्रोल डैश एंड डिफीटेड ऑल द फोर्सेस सेंट अगेंस्ट हिम। डन। वन लाइन डाउन, थर्ड ब्लैंक, हैदर अली वॉर्न हिज सन डैश दैट हैज़ लॉन्ग एंड ब्रिटिश कंट्रोल द सी, विक्ट्री वॉज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। डन। थर्ड पैराग्राफ, टीपू, वन टू थ्री, फोर्थ लाइन, टीपू सुल्तान साइन द ट्रीटी ऑफ डैश इन 1784 विद द ब्रिटिश अंडर विच ईच साइड गेव बैक लैंड एंड प्रिजन्स। ये उस ट्रीटी के तहत है कि वो लैंड और प्रिजन्स वापस करेंगे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के मुताबिक। टर्न द पेज, फोर ब्लैंक्स आर डन। सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, द थर्ड मैसूर वॉर डैश 1790-92 वॉज सक्सेसफुल वन ऑफ टीपूज हु डिफीटेड द ब्रिटिश। वन टू लाइन डाउन, सिक्स ब्लैंक, He, Tipu Sultan, was forced to sign a treaty giving away half of his kingdom, some to Nizam, some to Dash, and some to Dash. Underline whole paragraph, okay? इन two questions के answer मैं आपको write down करवा दूंगी। Other words, underline whole paragraph, and these dates are very important. Info is very important. ओके, नाउ कम टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। फर्स्ट लाइन, एथ ब्लैंक, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी डैश वॉज द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। एट, नाइन्थ, डैश द रूलर ऑफ फ्रांस हैड बीन डिफीटेड एट डैश एंड वॉज नो लॉन्गर अ थ्रेट फॉर ब्रिटेन। नेपोलियन वाटरलू, ब्लैंक नंबर नाइन। Come to the page 115. The main cause of war. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come to the sixth line. Blank number 10. New rifle issues to the army had dash which needed to be greased before firing. Bullets. Done.
रेस्ट ऑफ द लाइन्स अंडरलाइन। सेकेंड पैराग्राफ इलेवन, इन डैश सम ऑफ स्पाई एंड इंडियन नॉन कमीशन ऑफिसर एट डैश रिफ्यूज टू यूज बुलेट एंड वर पुट इन द चेन्स इन द आर्मी प्रिजन। डन। वन लाइन डाउन, ब्लैंक नंबर 12, द मेरिट गैरिजन मार्च टू डैश एंड रिलीज द ओल्ड मुगल एम्परर डैश हु had been forced to live in semi-imprisonment in the gatehouse of the Red Fort. Okay, blank number 12. Now come to the paragraph third line, 13, blank. Nine of the old emperor's sons were caught and dashed their heads taken to the old king on tray. Sorry. 14. Hundreds of dash women and children were also killed because there was no strong leader to control Indians, European. इसमें European भी आ सकता है और Indians भी आ सकता है। 15th, in dash the war of independence was over in the year 1859. Underline these reasons of failure. Okay, I hope you have cleared all the points. Now come to the questions, question answers. History section, chapter 25, the struggle for freedom, topic short answers. Question number 1, why are Hyder Ali and Tipu Sultan considered heroes? Question number 2, how far was Tipu Sultan successful in his mission? Question number 3, why were the Indian garrison in Punjab, Bengal, Madras and Bombay loyal to the British? Question number 4, name the two Indian leaders who could unite the Indian against the British. Question number 5, describe the structure of Tipu Sultan rockets and how they work. This is the answer of the last questions. Okay, thorough reading is must for the chapter. Okay, ji, Allah Hafiz.